तो पबजी न्यू शीट का जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है 9.2 का, उसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले ये वाला एक न्यू व्हीकल देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा जो हमारा दूसरा व्हीकल है वो गाइस दिखने में कुछ इस तरह का रहेगा, एंड इसी के साथ साथ लॉबी थीम भी आप लोग देख सकते हो काफी कमाल की है। सलोन वीक में से वो फिर से सभी का बहुत बहुत वेलकम आज के इस नई वीडियो में। सो गाइस सभी के ये वीडियो के अंदर में हम लोग बात करने वाले हैं पबजी न्यू स्टेट के 9.2 अपडेट के बारे में। एंड गाइस ये जो अपडेट है कल के दिन यानी कि 9 दिसंबर को आने वाला है। एंड गाइस ये पूरे के पूरे अपडेट में आप लोग क्या क्या नई नई चीजें देखने के मिलेंगी वो चीज आप लोग को ये वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड इसके अलावा जो सर्वाइवल पास वॉल्यूम 2 आने वाला है गाइस उसकी लीक्स मैंने ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल पर डाल दी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के जरूर से चेकआउट कर लेना। तो सबसे पहली जो चीज आप लोग को 9.2 के अपडेट में देखने के लिए मिलेगी वो है गाइस एक न्यू वेपन जिसका नाम है L85A3। अब ये एक न्यू वेपन है जिसको पबजी न्यू स्टेट के अंदर में ऐड किया जाएगा 9.2 के अपडेट में। दिखने में कुछ इस तरह की रहेगी जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हो, बाकी इसके सारे स्पेक्स आप लोग देख सकते हो। ये जो गन है ये बेसिकली आप लोगों को सिंगल और ऑटो पर चलेगी। इसके अलावा 5.56 की एमओ सपोर्ट करेगी। इसके अलावा आप लोग इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड गाइस ये जो गन है ये हमारी एक असल्ट राइफल के कैटेगरी के अंदर में आने वाली है। बाकी आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा बेहतरीन ये वाली गन हमारी रहने वाली है। एंड ये अभी तक पबजी मोबाइल के अंदर में भी नहीं है और ये डायरेक्टली पबजी न्यू स्टेट के अंदर में आ रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोग जब इसको अपग्रेड करोगे या फिर कह सकते हो आप लोग इसको जब कस्टमाइज करोगे तो इसके अंदर आप लोग को ये जो आगे की तरफ इसमें एक फॉग ग्रिप लगी हुई है ये आप लोगों को लग जाएगी। एंड उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। इसके बाद के साथ हमारा दूसरा चेंज जिसका नाम है न्यू वेपन कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन फीचर पहले भी था लेकिन आप लोग पहले किसी भी गन को एक तरीके से कस्टमाइज करते थे, अब आप लोग उसी गन को दो तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। यानी कि C1 और C2 दो स्लॉट आप लोग को नजर आएंगे। जब कभी भी आप लोग किसी भी गन को कस्टमाइज करने जाओगे तो यहाँ पर C1 और C2 दोनों टाइप आप लोग को नजर आएंगे। आप लोग जिस भी टाइप में उसको कन्वर्ट करना चाहोगे वैसे आप लोग कर सकते हो। बाकी आप लोग इधर देख सकते हो आप लोग M4 के अंदर में लॉन्ग बैरल लगा सकते हो। एंड गाइस लिटरली ये वाला जो फीचर है या फिर ये वाला जो अपडेट है इसके अंदर आप लोग जो हमारी SLR होती है उसको आप लोग दो तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। तो C1 करते थे पहले, अब C2 का भी ऑप्शन है। अगर आप लोग SLR को C2 के अंदर में कस्टमाइज करोगे तो आप लोग इसके अंदर 5.56 की एमओ को भी लगा सकते हो, जबकि इसके अंदर हम लोग सिर्फ 7.62 की बुलेट को ही लगा सकते थे। लेकिन आप लोग अगर इसको कस्टमाइज करते हो C2 टाइप के अंदर में तो आप लोग 5.56 की बुलेट भी लगा सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा आप लोग को चेंज देखने के लिए मिलेगा वो है गाइस हमारे दो न्यू व्हीकल, यानी कि पबजी न्यू स्टेट के अंदर में 9.2 के अपडेट के अंदर आप लोग को दो न्यू व्हीकल देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला व्हीकल है जो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हो, एक ये बेसिकली हमारी मिनी वैन कह सकते हो या फिर कह सकते हो कोई एक छोटा सा ट्रक है, जिसकी अगर मैं लुक्स की बात करूं तो काफी ज्यादा सॉलिड लुक लग रही है। एंड गाइस इसके टायर के साइज को देखो, इसका नाम रहने वाला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से एक चीज क्लियर होती है, जरूर से इलेक्ट्रिक व्हीकल रहने वाला है, यानी कि इसके लिए हमें बैटरी वगैरह लगेगी, इसको चार्ज करना पड़ेगा तभी जाकर के चलेगा। बट लुक्स के मामले में गाइस लिटरली काफी कमाल का है। बाकी इसके अंदर 6 सीटर की कैपेसिटी है, यानी कि इस व्हीकल के अंदर में एक बार में 6 लोग इजिली बैठ सकते हैं। जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हो सभी लोग पीछे काफी फैल के बैठे हुए हैं, यानी कि खुल्लम खुल्ला बैठे हुए हैं जैसे कि आप लोग इधर देख पा रहे हो। बाकी 6 बंदे इसमें आराम से बैठ सकते हैं जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा एक और न्यू व्हीकल आप लोग को देखने को मिलेगा, मैंने बताया दो व्हीकल, तो जो हमारा दूसरा व्हीकल है वो आप लोग इधर देख सकते हो वो रहने वाला है कुछ इस तरह का। एंड इसका जो नाम है वो है मेस्टा। अब गाइस जो हमारा व्हीकल है जिसका नाम है मेस्टा, ये बेसिकली 2 सीट की कैपेसिटी रहेगी, यानी कि 2 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। आप लोग इसको 2 सीटर भी बोल सकते हो। बाकी इसके 2 मॉडल आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। पहला होगा ओपन टॉप जिसमें इसकी छत नहीं होने वाली है। दूसरा जो हमारा मॉडल रहेगा वो है गाइस आप लोग का, एंड गाइस अभी आप लोग जिस मॉडल को देख रहे हो वो है इसका ओपन टॉप वाला मॉडल। अभी मैं इसका हार्ड टॉप वाला मॉडल भी आप लोग को दिखा दूंगा, बट एक चीज बता दूं गाइस ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट व्हीकल है, ऐसा कुछ क्लेम किया जा रहा है पबजी न्यू स्टेट की तरफ से। इसके अलावा आप लोग इधर देख सकते हो ये है इसका क्लोज टॉप या फिर कह सकते हो हार्ड टॉप वाला वर्जन, जिसमें इसकी छत जो है वो कुछ इस तरह से रहेगी। बाकी दोनों ही मॉडल आप लोग को कहीं भी रैंडम लोकेशन पर मिल जाएंगे, आप लोग इनको इजीली चला सकते हो। बाकी इन्होंने व्हीकल के कंट्रोल्स के अंदर में भी काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट करी है, जैसे कि इधर आप लोग देख सकते हो आप लोग को एक सबसे पहले तो रेडियो का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप लोग अपनी गाड़ी के अंदर में ऑडियो वगैरह सुन सकते हो, यानी कि अगर आप लोग गाने वगैरह सुनने हैं तो वो चीज़ भी आप लोग सुन पाओगे। इसके अलावा गाड़ी का जो हमारा कंट्रोल होता था उसमें भी इन्होंने इंप्रूवमेंट करे हैं, जैसे कि आप लोग रोड की तरफ में कॉर्नरिंग करते थे तो उसके अंदर में भी इन्होंने इंप्रूवमेंट करा, यानी कि आप लोग पहले के मुताबिक काफ़ी अच्छे से गाड़ी को ड्राइव कर पाओगे एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा गाड़ी को ड्राइव करने में। और ये जो इंप्रूवमेंट है आप लोग को सभी व्हीकल में देखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है जो दो न्यू व्हीकल आ रही है उन्हीं में ही आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद गाइस इन्होंने कुछ एक्शन के अंदर में भी कुछ इन्होंने इंप्रूवमेंट करे हैं, जैसे कि रोल के अंदर में करा है। अगर आप लोग 20% बूस्ट रहोगे तो इस तरह से रोल करेगा, और अगर मान लो आप लोग 20-90% में रहोगे तो इस तरह से, और 100% पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से मूवमेंट होगी। बाकी आप लोग का वॉल्यूम 2 वाला रॉयल पास भी आने वाला है, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाल दिया, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो कि मेरा पबजी स्ट्रीट का चैनल है, उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना करके बता दिया, आप लोग उस वीडियो को जरूर से देख लेना अगर आप लोग को पबजी स्ट्रीट के रॉयल पास के बारे में
में डिटेल में जानना है। गाइस इसके बाद में आता हमारा मेरिट पॉइंट सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका टीममेट आपको किल कर देता है किसी भी तरीके से, कुछ भी ऐसी चीजें करता है, तो ऐसे में आप लोग उसकी मेरिट को डाउन कर सकते हो, जिससे कि वो किसी भी स्क्वाड के साथ में नहीं खेल पाएगा, उसको अकेले खेल के मेरिट को बढ़ाना पड़ेगा जब जाकर के वो किसी बंदे के साथ में खेल पाएगा। और ये जो हमारे मेरिट के पॉइंट अगर आप लोग ये चेकआउट करना है तो आप लोग अपनी सिंपली प्रोफाइल के अंदर में जाकर के स्टैटिक्स का आप लोग एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, वहां जाकर के आप लोग चेक कर सकते हो आप लोग के मेरिट पॉइंट कितने गिरे हैं, कितने बढ़े हैं, वो सारी चीज आप लोग को वहां नजर आ जाएगी। इसके अलावा गाइस आप लोग अब लॉबी के अंदर में इमोट भी कर पाओगे, फाइनली एक बटन ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा गाइस आप लोग को लॉबी थीम जो है वो कुछ इस तरह की नजर आने वाली है, क्रिसमस आने वाला है उससे रिलेटेड। बाकी जैसे मैंने बताया लॉबी के अंदर इमोट कर पाओगे, तो इमोट का आप लोग एक बटन नजर आ रहा होगा नीचे की तरफ में, जिसकी मदद से आप लोग इजिली इमोट कर पाओगे लॉबी के अंदर में। तो ये कुछ मेन मेन चीजें आप लोग को PUBG Initiate के 9.2 वाले वर्जन के अंदर में देखने के लिए मिलेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर से शेयर कर देना।